जैसे ही बारिश से स्टार्ट हो जाती है ढेरों ऐसे पौधे जिसे कटिंग से ग्रो करके हम बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, रूट डिवाइड करके भी ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं, यानी जड़ों के पास से अलग करके। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ कटिंग से ग्रो करके ढेरों ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूँ जिससे कि गार्डन को आप कलरफुल, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और खूबसूरत बना सकते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में जब बारिश शुरू हो जाती है तब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है, यानी हमारे पास ऑप्शन हो जाता है कि हम ढेर सारे ऐसे पौधे जो कि हम अदर सीज़न ग्रो नहीं कर सकते हैं, इस टाइम हम ग्रो करके अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे तैयार करें, गार्डन को खूबसूरत बनाएँ, कलरफुल बनाएँ, और अगर फूलों वाले पौधे पॉसिबल हो तो उसे भी लगा के ढेरों फूल ले सके। आज की वीडियो में मैं आपको कलरफुल पत्तियों वाले पौधे शेयर करूंगी जिससे कि आप अगर अपने नियर बाय कहीं आसपास देखें तो आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं वहां से लाके, या फिर अगर आपके पास ये पौधे हैं तो इन पौधों को आप अपने गार्डन में कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैसे खर्च करें तभी हम पौधे लेके आएँ और तभी हम खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाले पौधे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहले जो खूबसूरत मेरे गार्डन का सबसे खूबसूरत पौधा है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है फ्रेंड्स ये स्वीट पोटैटो वाइन। बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, पत्तियाँ काफ़ी शाइनी हो रही है, पत्तियों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो रहा है और ये पौधा कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। कई सारी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है इसकी कटिंग ग्रो करना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे को फ्रेंड्स आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बारिश के मौसम में इसके जो नोड एरिया होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे नोड एरिया में रूट्स निकलने लगते हैं। जैसे डेली बेसिस पे अगर बारिश होने लगी तो आपको ये रूट्स थोड़े बड़े बड़े भी नज़र आएंगे। तो जहाँ आपको रूट्स दिखे वहाँ से भी आप कट करके लगा सकते हैं या फिर इसके टिप वाले हिस्से को भी कट करके आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये पौधा कटिंग से ग्रो हो जाता है, विद इन 2-3 डेज में आपके पास नया पौधा बनके तैयार हो जाएगा। पानी में ग्रो करेंगे तो इसकी रूटिंग आपको एक ही दिन में नज़र आ जाएगी। तो इस पौधे को अगर आप अपने नियर बाई कहीं देखें तो कटिंग से ज़रूर लगाएँ। इसमें ये वाली जो वेराइटी है ग्रीन वाली, ये बहुत ही कॉमन है, आपको हर जगह दिख भी जाएगी। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स वॉन्डरिंग जू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ पौधे हैंगिंग बास्केट में लगाए हैं, कुछ पौधे मैंने इसे पॉट में भी लगाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ पौधे हैं जिसे मैंने पॉट में लगाए हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से पौधा ये बढ़ रहा है, तो इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बारिश के मौसम में इसमें भी रूटिंग बहुत जल्दी होती है, इसके स्टैम में जो रूट्स निकलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये रूट्स भी काफ़ी बड़े बड़े लंबे होने लगते हैं जिससे कि आप इसे कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वैसे इस पौधे को आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन बारिश के मौसम में 2-3 दिन में ही आपके पास नया प्लांटर, नया पौधा बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पौधा गार्डन को खूबसूरत कलरफुल बनाने के लिए क्रोटोन के पौधे अगर आपके पास है तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। कई सारी वीडियो में मैंने आपके साथ क्रोटोन के प्लांट शेयर किए हैं। सिर्फ और सिर्फ रेत में इस पौधे को लगाएंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकेंगे। क्रोटोन के पौधे अक्सर आप देखेंगे कहीं पार्क वगैरह में भी लगा हुआ होता है, वहाँ से आप कटिंग लाके लगा सकते हैं। टिप की कटिंग जल्दी ग्रो होती है, उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो उसी से आप इस पौधे को ग्रो करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये डेविल बैकबोन जिसे फैडिलेंथस के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली पार्क में रोड डिवाइडर के हिसाब से ये पौधा ऐसा है कि इस पौधे को जानवर नहीं खाते हैं, इसीलिए नॉर्मली वैसी जगह पे ही इस पौधे को लगाया जाता है। इसका वेरीगेटेड लीव्स आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कटिंग से ये पौधा बहुत जल्दी लग जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। एक मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको इसकी कटिंग, देख सकते हैं तो हल्की सी रूट्स भी इसमें आने लगी है। तो कटिंग से भी ये पौधा बहुत जल्दी लग जाता है, तो रेयर ही ऐसा होता है कि फैडिलेंथस की कटिंग फेल हो। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। फरवरी मंथ में इसमें काफ़ी अच्छे से फूल भी आते हैं, पूरे साल इसकी पत्तियों से खूबसूरती लीजिए और लगभग 1-1.5 महीने इसमें काफ़ी अच्छे फूल भी आते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स रेड रॉबिन का। रेड रॉबिन बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है जिसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी पत्तियां जो नई नई निकलती है वो रेड कलर की निकलती है, शायद मे भी इसीलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। तो इस पौधे को भी कटिंग से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पौधे मैंने कटिंग से लगाए थे जिसमें काफ़ी सारे चल भी गए हैं और कुछ एक आध
ख़राब भी हो गए हैं, ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को अगर आप कहीं देखें तो इसे ज़रूर कटिंग से लगाएं। नेक्स्ट पौधा फ्रेंड्स, हमारे सबसे फेवरेट पौधा जो कि है कोलियस। कोलियस वैसे तो पूरे साल ही आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत तेज़ होने लगती है। तो इस पौधे को ज़रूर ही अपने गार्डन में ऐड करिए, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरती अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और आप अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से भी ये पौधा लग जाता है। अगर आपने बाहर के मौसम में कटिंग लगाई है तो इस टाइम तक वो कटिंग काफ़ी डल हो जाती है, वो पौधे डल हो जाते हैं। तो अभी उसकी न्यू ग्रोथ लेने के लिए आप उसे अभी इस टाइम कटिंग से ग्रो करके खूबसूरती ले सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये लालसा का, जो कि काफ़ी खूबसूरत कलर हमारे गार्डन में ऐड करता है, वाइब्रेंट सा कलर है। इसे आप गार्डन में हैच भी बना सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत भी लगता है ये पौधा। छोटी छोटी टिप की कटिंग लेंगे तो ये पौधा इजीली कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। खूबसूरत पत्तियों के लिए फ्रेंड्स आप कॉक्सकॉम के पौधे को भी लगा सकते हैं। जब तक इसमें फूल नहीं आते तब तक इसकी पत्तियों से आप खूबसूरती ले सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और अगर नर्सरी से परचेज करने जाएंगे तो 5-10 रुपये में पौधा मिल भी जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट एक खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है ही। गार्डन में अगर हरे भरे पौधे के बीच में अगर आप पर्पल कलर को ऐड करना चाहते हैं, एक अलग कलर ऐड करना चाहते हैं, तो बीच में एक गमले में पर्पल कलर के पौधे को लगा सकते हैं, इस पर्पल हार्ट के पौधे को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है और ईजिली ये पौधा कटिंग से लग जाता है। इसके बाद अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारा कलर इसमें होता है, आप देख सकते हैं वैरायटी इसमें बहुत आती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये पिंक और ग्रीन ये दो ही वैरायटी मिलता है। अगर आपके यहाँ मिले तो आप इस पौधे को ज़रूर ऐड करिए, जिससे कि गार्डन में काफ़ी ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं। इसके स्टैम में काफ़ी सारे रूट्स होते हैं, जिससे कि आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इस पौधे को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये सफलेरा का। सफलेरा की ये वाली जो है ये ग्रीन वैरायटी है और इसी में मैंने सेम पॉट में ही मैंने लगा के रखा है ये वेरीगेटेड वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कटिंग से इस पौधे को लगा सकते हैं, जो कि गार्डन में खूबसूरती देता है, कलर देता है और एक अलग सा लुक भी हमारे गार्डन में क्रिएट करता है। बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां होती है, बिल्कुल छतरी की तरह। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर कटिंग से ग्रो करिए, कटिंग से इजीली ग्रो भी हो जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये रबर प्लांट। मेरे पास ये डार्क कलर वाला रबर प्लांट है, इसमें वेरीगेटेड भी आता है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग जैसा रबर प्लांट चाहें वैसा लगा सकते हैं, तो आप इस पौधे को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ से देख सकते हैं कट लगाया था और ये दो स्टैम निकले, और जो कट लगाया था उसे मैंने कटिंग से ग्रो कर रखा है, जो मैंने इंडोर रखा है। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाएं कटिंग से। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आप ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को अक्सर आप देखेंगे कि इसकी टहनियाँ जो है काफ़ी लंबी लंबी हो जाती है। तो आप लंबी लंबी अगर हो गई है आपके पौधे भी, तो आप वहाँ से कट लगा सकते हैं। कट लगा के आप इसके टिप वाला जो हिस्सा है इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ढेर सारे ब्रांचेस निकलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कट लगाया तो यहाँ ब्रांच निकल रहा है। यहाँ पर हाल ही में मैंने कट लगाया था तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं दो ब्रांच निकल रहा है। तो ब्रांच भी ज़्यादा होते हैं और इसी कटिंग से भी आप इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कॉइन प्लांट, जिसे चाइनीज मनी प्लांट भी कहा जाता है। ये पौधा टोटली ग्रीन होता है, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इंडोर आउटडोर दोनों जगह चल जाता है, लेकिन हाईली मॉइस्चर लविंग प्लांट है। यानी ऐसी मिट्टी में आपको इसको लगाना है जिसमें एनी टाइम कीचड़ बना हुआ रहे, तो ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। नेक्स्ट पौधा फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरती देता है, इंडोर गार्डन के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं, इसमें रनर्स निकलते हैं कुछ इस तरीके से, उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा जड़ों के पास से भी फैलता है, तो उसे डिवाइड करके भी आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये पैंडानस का। पैंडानस के पौधे को भी फ्रेंड्स आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने इंडोर ग्रो कर रखा है, इसकी भी खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये पौधा जड़ों के पास से फैलता है, तो इसे आपको रूट डिवाइड करके ही ग्रो करना होगा। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसे बहुत सारे पौधे बना लीजिए।
अगला पौधा है फ्रेंड्स, ये सिल्वर डस्ट का। सिल्वर डस्ट का पौधा नॉर्मली विंटर सीजन में ही हमें नर्सरी में मिलता है, तो ये पौधा भी मेरे उसी टाइम का पौधा है। एक परमानेंट पौधा है, गार्डन में काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती लेके आता है, अलग सा लुक क्रिएट करता है। तो अगर आपने इसे सेव करके रखा है तो आप इसकी इस टाइम कटिंग ग्रो कर लीजिए, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है। विंटर सीजन में गार्डन में काफ़ी खूबसूरती देता है। ये एक शेड लविंग प्लांट है, सीधी धूप में आप इसे रखेंगे तो ये पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है। थोड़ी छाँव वाली जगह, ब्राइट लाइट ऐसी जगह और ठंडक वाली जगह पे ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसीलिए आप देखेंगे मैंने भी इसे अपने टेरेस पे वाटर टैंक के बगल में ही लगा के रखा है, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। खूबसूरत पत्तियों के लिए फ्रेंड्स, आप रियो के पौधे को भी ग्रो कर सकते हैं। रियो में दो वेराइटी है, जैसे कि ये वाला एक देख सकते हैं आप, जो कि पर्पल कलर और ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्रेंड्स ट्राई कलर। तो दोनों ही आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बट इसे आप कटिंग से नहीं, रूट डिवाइड करके आपको ग्रो करना होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप ड्रेसिना के पौधे को भी इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ड्रेसिना में बहुत सारी वेराइटी आती है, तो इसकी भी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस पौधे को भी ज़रूर अपने गार्डन में कटिंग से ऐड करिए और बहुत सारे पौधे इसके तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए पौधा खरीदना ना परे। अगला पौधा है फ्रेंड्स, ये वेरीगेटेड फाइकस, जिसे हार्ड लीफ फाइकस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी टिप की कटिंग बारिश के मौसम में लग जाती है, अदर सीजन बहुत जल्दी नहीं लगती है, रेयर ही लग पाती है, लेकिन बारिश के मौसम में अगर आप इसे लगाएंगे तो इसकी भी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस पौधे से भी आप अपने गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे पौधे हैं जिसे कि हम कटिंग से ग्रो करके अपने गार्डन में इस टाइम बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, ढेरों कलर ऐड कर सकते हैं और फ्री में बहुत सारे पौधे हम उसे तैयार कर सकते हैं। और इस रेनी सीजन यानी जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर के मंथ में बहुत सारे पौधे फ्री में हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नहीं किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।